वड़ा पाव आपने बहुत तरह के खाए होंगे, लेकिन आज हम बना रहे हैं पुदीने के वड़ा पाव। तो आज हम बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी और अंदर से जालीदार वड़ा पाव बनाने की बेहतरीन सी रेसिपी लेके आए हैं, जो आपको बहुत आसान भी लगेगी। उसके लिए मैंने एक पाव माश की दाल ली और इसको 3 घंटे के लिए भिगो दिया, और इसमें जो पानी हमने इसको अच्छे से धो के इसको रखा सोक करने के लिए, तो इसमें जो पानी था वही पानी मैंने इसमें थोड़ा सा इसमें शामिल किया, और इसको ग्राइंडर में डालते हुए थोड़ा सा इसमें मैंने एक मुट्ठी पुदीना जो है वो साफ़ साफ फ्रेश था वो लेके इसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया। थोड़ा सा भुरभुरा सा, बहुत पेस्ट नहीं है, ज़रा ज़रा भुरभुरा सा है, और इसी तरह की हमें ये पेस्ट चाहिए होती है। कभी भी आप वड़ा पाव बनाने के लिए परेशान नहीं होंगे, आप वड़ा पाव इसको बनाएं या फिर आप इसके दही भल्ले बनाएं, दोनों तरह से ही आपके लिए ये बेहतरीन है। इसको हमने सख्त गूंदना नहीं है, सॉफ्ट सा इसको हम बनाएंगे और उससे आप आसानी से बना सकेंगे। तो ये हमने जो पेस्ट तैयार किया है, ये देखें आप कितना ही ये शानदार सा इसका पेस्ट जो है वो तैयार हुआ है। तमाम दाना जो है वो अच्छे से पीस गया है और इसमें पुदीना भी खूब अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। इसका जायका इसमें पुदीने में बहुत अच्छा लगेगा। सूजी मैंने ले ली है, तो सूजी जो है ये हाफ़ कप सूजी है, लेकिन आपने जितनी आपकी ज़रूरत होगी आप उतना कम भी इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, लेकिन इसी मिकदार में बेहतर है कि डालें। हाफ़ कप मैंने इसमें मैदा डाल दिया और हाफ़ कप इसमें सूजी शामिल कर दी, और इसमें इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। जितनी भी ये हमने पहले दाल को अच्छे से पेस्ट बनाया है वो इसके अंदर आपने खूब अच्छी तरह मिक्स करना है। हाफ़ चम्मच नमक है, और अगर आप थोड़ा तेज़ पसंद करते हैं तो आप अपने हिसाब से इसमें डालेंगे, लेकिन इतना इसमें नमक काफ़ी होगा। 2 चुटकी आपने इसमें सोडा, बेकिंग सोडा डालना है, बेकिंग पाउडर नहीं शामिल करना, बेकिंग सोडा डालना है आपने, और इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ये देखें बड़ी अच्छी तरह से ये उसकी सारी चीज़ें जो हैं वो मिक्स हो जानी चाहिए। जो सोडा हमने डाला है उसके लिए आपको इसको खूब अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसको अच्छी तरह से हम पहले मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम इसे बीटर के साथ खूब अच्छे से फेंटेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो कोई ऐसा मसला नहीं है, आप इसको हाथ के विस्कर्स के साथ अगर अच्छे से फेंट सकते हैं तो वो आपने उसको फेंटना है। कब तक फेंटना है उसका भी आपको इजी सा मेथड बताएंगे कि कब तक इसको फेंटना होता है और फिर वो अच्छे से फूल जाता है। तो अब इसको मिक्स हमने कर लिया है, इसको आपने किनारे वगैरह इसके अच्छे से साफ़ कर लेने हैं, और इसका जो पेस्ट है वो हमें सॉफ्ट और अच्छा सा चाहिए। बीटर के साथ हमें इसको बीट करना है तब तक जब तक ये अच्छे से फ्लफी नहीं हो जाता। अभी ये थोड़ा सा गाढ़ा है, हमें इतना इसकी थिकनेस सिर्फ चाहिए जितना हम चम्मच पे डालें तो ये उसमें से गिरे, लेकिन बहता हुआ नहीं गिरे, उसमें से गिर जाए, जैसे किसी क्रीम की सी तरह, जैसे मायनीज़ की जैसा। तो इसकी इसको हमने अच्छी तरह से पेस्ट को बना लिया। इसको देखें आप कितना फ्लफी हो गया है, कितना फूला हुआ हो गया है, और इसमें एक झाग सा तकरीबन बनता हुआ फील हो रहा है। अब ये इसको हम देखेंगे कि ये तैयार हुआ है, यानी इसकी तैयारी का बहुत आसानी से आप चेक कर सकते हैं। तो चाहे आप वो हैंड बीटर के साथ, विस्कर के साथ आप करते हैं, या फिर आप उसको इलेक्ट्रिक बीटर के साथ, तो आपने इस तरीके से इसको चेक कर लेना है कि अगर ये हो गया हुआ है तो फिर इसमें तैरेगा। एक प्याली में पानी ले लिया, उसके अंदर आपने थोड़ा सा इसका बैटर जो है वो इसमें डालना है। अगर तो इसमें डूब गया तो फिर अभी हम इसको और बीट करेंगे, लेकिन ये इसके ऊपर तैर रहा है तो यकीनन ये बहुत अच्छे से बन के तैयार हो गया है, हमें मज़ीद इसको फेंटने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इस तरह का आपने गोल मटोल सा एक चम्मच ले लेना है, उससे हमें इसकी शेप बनानी नहीं पड़ेगी, खुद से इसकी जो शेप है वो बन जाएगी,
और अब हम इसको किचन के चूल्हे में नहीं बनाएंगे, इसको हम बाहर लकड़ियों वाले चूल्हे पे लेके जाएंगे और इसको वहाँ तैयार करेंगे। चम्मच को आपने एक दफ़ा घी में थोड़ा सा लगा लेना है, फिर उसके बाद उसके साथ आप डालेंगे तो वो उसके ऊपर चम्मच के नहीं लगेगा, तो वो उसके अंदर बड़ा अच्छा सा ये तैयार होगा, बनेगा एक जैसा, और एक जितना बैटर उसमें जाएगा और एक जितना ही वो साइज़ में बनेगा। ये जितना भी आप बड़ा बना रहे हैं ये इसके अंदर से पक जाएगा। आपने मीडियम सी आंच पे इसको बनाना है, बहुत तेज़ आंच पे नहीं बनाना है, क्योंकि हमें इसे अंदर तक जो है वो गलाना होता है। अंदर से भी ये अच्छा सा पकेगा और उस ऊपर से क्रिस्पी भी होगा और टेस्ट में भी ज़बरदस्त बनेगा। आप इसको पकौड़ों की बजाय अगर यही बना के आप खाते हैं ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा। अभी आपने इसको जो है वो मैंने इसकी आँच जो है वो कम रखी हुई है, ये जो इलेक्ट्रिक है ये भी चूल्हा, लेकिन लकड़ियाँ जलती हैं इसमें, इस पर अच्छा लगता है खाना बनाना, बहुत मज़ा आता है। तो जब मौसम अच्छा हो तो आप इसको इस पर खाना बनाएं, आपको यकीनन बहुत अच्छा लगेगा। अब ये देखें इसकी जाली अंदर से आपको चेक करवाते हैं, अंदर से जालीदार है, ऊपर से क्रिस्पी है। इसके ऊपर मैं पुदीना लगा रही हूँ, पुदीने वाले वड़े बना के देखें, आपको बहुत अच्छे लगेंगे, इसका जायका बहुत ही मज़ेदार होता है। अब इसका हमने जो रायता है वो तैयार कर लेंगे। रायते के लिए मैंने आधा किलो दही ले लिया, तो आपको जितना भी ज़रूरत हो आप उस हिसाब से ले लें। तो उसको अच्छी तरह से आपने फेंट लेना है दही को, कि उसकी जितनी भी अंदर फुटकियाँ वगैरह हैं वो ना रहें और दही अच्छे से मुलायम हो जाए। फिर उसके लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं, दो मीडियम साइज़ के मैंने प्याज ले लिए, 2 से 3 हरी मिर्चियाँ ले ली, थोड़ा सा पुदीना और थोड़ी सी धनिया ले ली, और एक प्यारा सा टमाटर ले लिया। अब मैंने इनको प्याज को, हरा जो धनिया है और हरी मिर्ची है, पुदीना है, उसको मैं अच्छे से चॉप कर लूँगी, इसका पेस्ट बना लूँगी। नमक थोड़ा सा आपने डालना है और इसमें थोड़ा सा दही डाल के तो इसको आपने पेस्ट बना लेना है और बाकी के दही में इसको शामिल कर दें। इस तरह से ये बहुत अच्छा बन गया। अब आपने जो प्याज है उसको बारीक लच्छे की सूरत में काट के उसको खूब अच्छे से धो लेना है, और टमाटर को भी बारीक बारीक चॉप कर लेना है और इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। बहुत प्यारा दही लगता है इस तरह से बना हुआ रायता, वड़ों के साथ आप खाएंगे आपको बहुत टेस्ट लाजवाब लगेगा। आपने थोड़ा सा दही ले, उसके अंदर आप एक पीस इसका रखें और इसको आप इंजॉय करें, खा के देखें, बहुत मज़ेदार लगेगा अंदर तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना मत भूलें।